राजन अपने घर पर चुपचाप एक चारपाई पर लेटा हुआ था कि तभी कोई उसके घर का दरवाजा बुरी तरह से पीटने लगा। राजन की पत्नी नंदा रसोई में खाना बना रही थी। राजन ने उठकर दरवाजा खोल दिया। राजन के सामने गांव का साहूकार संपत राय खड़ा था। संपत राय राजन को क्रोध भरी नजरों से देखते हुए बोला, देखने में तो तुम बहुत भोले भाले लगते हो राजन, लेकिन अंदर से तुम इतने झूठे होगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? भूल गए, आज तुम्हें मेरे पैसे लौटाने थे। मुझे पता है संपत जी कि मुझे आपको पैसे लौटाने हैं, लेकिन अभी तो दिन गुजरने में पूरे 6 घंटे बचे हैं, शाम तक इंतजार तो कर लेते आप। नहीं, मैं शाम तक इंतजार नहीं कर सकता, मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए। देखिए, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। आप तो जानते हैं संपत जी कि मेरा शहर में बहुत बड़ा बिजनेस था। अचानक बिजनेस से नुकसान हो जाने की वजह से मुझे अपना घर बार, अपना शहर सब छोड़ना पड़ा। मजबूरी में मुझे यहाँ गांव में आकर बसना पड़ा। आप तो मेरे बारे में सब जानते हैं। बस करो, तुम्हारी इन कहानियों को सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए। अरे तुम्हारा बिजनेस अगर डूब गया तो तुम मुझे भी डुबा दोगे क्या? अरे पूरे 3 महीने का वादा करके पैसे तो लेकर गए थे, आज 5वां महीना लग गया। आप चिंता मत कीजिए संपत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज शाम तक पैसों का कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाएगा। जैसे ही इंतजाम होगा मैं खुद आकर आपके पैसे लौटा दूंगा। राजन की बात सुनकर संपत राय गुस्से से बुरा भला बोलकर वहां से चला गया। राजन अपनी आंखों में आंसू लिए हुए चारपाई पर बैठ गया कि तभी उसकी पत्नी नंदा उसके पास आकर बोली, आपने उससे झूठ क्यों बोला कि आपके पास पैसे आ जाएंगे? शाम तक पैसे कहां से आएंगे आपके पास? कल मैंने अपने दोस्त नितिन से बात की थी, आज वो कुछ पैसे मुझे दे जाएगा। कब तक अपने आप को झूठी तसल्ली देते रहोगे? अरे बुरे वक्त में कोई किसी के साथ नहीं होता। तो फिर तुम ही बताओ नंदा, मैं क्या करूं? मेरी वजह से शादी के बाद तुम्हारी पढ़ाई अधूरी रह गई। अगर मेरा बिजनेस बर्बाद नहीं होता तो तुम बहुत बड़ी साइंटिस्ट बन सकती थी। चिंता मत कीजिए, मैं अभी एक अपने प्राइवेट प्रोजेक्ट में जी जान से लगी हुई हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सफल हो जाऊंगी। किस प्रोजेक्ट की बात कर रही हो तुम नंदा? इस प्रोजेक्ट को करते हुए तुम्हें पूरे 2 साल हो गए हैं। पहले तुम्हारा शहर में मजाक उड़ता था और अब गांव के लोग भी तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे मजबूरन नदी में डूबकर आत्महत्या करनी पड़ेगी। राजन आंखों में आंसू लिए हुए वहां से चला गया और सारा दिन वो अपने दोस्त नितिन का इंतजार करता रहा, मगर नितिन वहां पर नहीं आया। नंदा जानती थी कि नितिन राजन को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाता है। दरअसल नंदा शादी से पहले साइंटिस्ट बनने की तैयारी कर रही थी और वो साइंटिस्ट बनने के लिए पूरे मेहनत और लगन से पढ़ाई में जुटी हुई थी। मगर पढ़ाई के बीच में ही नंदा का राजन से विवाह हो गया। विवाह के बाद राजन ने नंदा को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा। नंदा खुश हो गई, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक राजन का बिजनेस तबाह हो गया और शहर में उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया। राजन को रातों रात शहर छोड़कर अपने गांव में आकर बसना पड़ा, जहां उसके माता पिता बरसों पहले रहा करते थे। घर के काम से फ्री होकर नंदा अपने प्रोजेक्ट में जुट गई। नंदा काफी सालों से एक रोबोट बनाने की कोशिश में लगी हुई थी। नंदा अपने प्रोजेक्ट में बिजी ही थी कि तभी संपत अपने साथी भीमा के साथ घर के अंदर आ धमका। राजन कहाँ है? जी वो दोपहर से ही घर पर नहीं लौटे। अगर वो आए तो बोल देना कि संपत अपने पैसा मांगने के लिए आया था। और वैसे ये तुम क्या बना रही हो? जी मैं बहुत सालों से एक रोबोट बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जो बिल्कुल इंसानों की तरह व्यवहार करेगा। नंदा की बात सुनकर साहूकार अपने साथी भीमा के साथ बुरी तरह से हंसता हुआ बोला, इससे तो अच्छा है कि तुम इस कबाड़ को किसी भंगार में बेच दो और मेरे पैसे चुका दो। सेठ जी सही कह रहे हैं, और तुम इस बेकार के कामों की जगह इनके घर के बर्तन माज दिया करो तो तुम्हारी कुछ आमदनी हो जाया करेगी। संपत और भीमा नंदा का मजाक उड़ाते हुए वहां से चले गए। नंदा को उन दोनों की बात अंदर तक चुभ गई। उसने गुस्से से उस रोबोट को उठाकर जमीन पर पटक दिया और क्रोधित होकर बोली,
संपत और भीमा सही बोल रहे थे। इससे अच्छा तो मैं उनके घर पर बर्तन ही मांजने का काम करूं, तो मुझे ज्यादा आमदनी हो जाएगी। नंदा ने इतना बोला ही था कि तभी उसके कानों में किसी के कराहने की आवाज टकराई। नंदा चौंक कर इधर उधर देखने लगी, मगर उसने देखा कि आवाज कहीं और से नहीं बल्कि रोबोट से आ रही थी। उसने देखा कि रोबोट की आंखों में आंसू थे। ये मैं क्या देख रही हूँ, कहीं ये मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं? तभी वो रोबोट नंदा की ओर देखकर बोला, नहीं माँ, ये तुम्हारी आंखों का भ्रम नहीं बल्कि सच है। आपने मुझे इतनी जोर से जमीन पर पटका कि दर्द से मेरा शरीर दुख रहा है। नंदा फटी फटी आंखों से अपने इस प्रयोग को विस्मय भरी नजरों से देखने लगी। नंदा को नहीं पता था कि उसका पति राजन भी इस दृश्य को देख रहा था। तुमने तो वाकई कमाल कर दिया नंदा, ये तो बिल्कुल हूबहू इंसानों की तरह व्यवहार कर रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे पूरा यकीन है मैं अपने प्रयोग में सफल हो जाऊंगी, क्योंकि आपने ही मुझे बनाया है माँ। जब संपत और कालिया आपका मजाक उड़ा रहे थे तब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मगर जैसे ही आपने मुझे जमीन पर पटका, मुझे अपने शरीर में जान आती हुई महसूस हुई। अब मैं स्वयं को बहुत ही बलशाली महसूस कर रहा हूँ। मैं इंसानों की तरह सोच और समझ सकता हूँ। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है बेटा, तुम्हारी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर इंसानों के जैसे इमोशंस भी हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं अब आ गया हूँ ना, मैं पिताजी के काम में उनका हाथ बटाऊंगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं हल भी चला सकता हूँ, खेती भी कर सकता हूँ और बिजनेस भी कर सकता हूँ। राजन नंदा की ओर देखकर बोला, ये कैसे संभव हो सकता है? हो सकता है राजन, बिल्कुल हो सकता है। मैंने इसके दिमाग में लाइब्रेरी की सैकड़ों किताबें अपलोड कर रखी है। इसके दिमाग में ज्ञान का भंडार है। उस दिन से नंदा का रोबोट बेटा दूसरों के खेतों में हल चलाने का काम करने लगा। वो रोबोट पूरे दिन का काम एक घंटे में ही कर देता। देखते ही देखते राजन के पास पैसों की बारिश होने लगी। कुछ ही दिनों में उसने संपत का कर्जा चुका दिया और वो खुद का व्यवसाय करने की सोचने लगा। पर ये बात संपत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। संपत एक दिन भीमा से बोला, राजन का पिता भी एक बहुत ही कामयाब आदमी था, मैं कभी भी उससे आगे नहीं बढ़ पाया। सोचा था कि इसके बेटे को बार बार बेइज्जत करूंगा, मगर उसकी पत्नी ने तो कमाल कर दिया। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है सेठ जी कि वो रोबोट 50 लोगों का काम कुछ ही घंटों में कर देता है। हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन चिंता मत कीजिए, आखिर वो रोबोट सिर्फ और सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा है। कल मैं कुछ आदमियों के साथ जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा भीमा, मैं अपनी आंखों से उस रोबोट के टुकड़े होते हुए देखना चाहता हूँ। अगली रात भीमा संपत को लेकर कुछ आदमियों के साथ राजन के घर पर पहुंच गया और अचानक उसने लाठी और डंडों से रोबोट के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। अचानक हुए हमले से रोबोट गिर गया। तभी वहाँ पर नंदा और राजन दौड़ते हुए आ गए। ये क्या कह रहे हो तुम लोग, दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? माफ करना नंदा, हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर तुम्हारा ये रोबोट ऐसे ही गांव का काम करता रहा तो फिर हम गरीब और बेसहारा लोगों को अपना गुलाम बनाएंगे। प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। राजन, ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा है, तुम्हारा बेटा नहीं। लोहे का टुकड़ा तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। अचानक रोबोट के शरीर में बिजली जैसे फुर्ती आ गई और उसने उठकर संपत और भीमा को हवा में बुरी तरह से उछाल दिया। वो दोनों मुंह के बल गिरे और डर से थर थर कांपने लगे। सेठ जी, इस रोबोट के अंदर तो बहुत जान है। बिल्कुल सही कह रहे हो भीमा, अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भागो। वो दोनों डर कर उसी रात गाँव छोड़कर भाग गए। और देखते ही देखते नंदा का बेटा रोबोट पूरे विश्व में मशहूर हो गया।
एक गांव में हीरालाल नाम का एक आलसी किसान अपनी पत्नी सरला के साथ रहता था। वो दिन रात बड़े बड़े सपने देखता रहता था। उसकी पत्नी दिन रात खेतों में मेहनत करती और हीरालाल पूरे दिन पेड़ की छाया में बैठकर अपने सपनों में खोया रहता। उसके पास संपत्ति के नाम पर थोड़ी सी जमीन, एक झोपड़ी और सिर्फ दो बैल थे। शादी के काफी साल बाद भी वो संतान सुख से वंचित था। उसकी पत्नी अपने पति के आलस से बहुत परेशान रहती थी। आज भी उसकी पत्नी जब खेत से वापस लौटी तो हीरालाल को आराम करते हुए देखकर वो आग बबूला हो गई। सारा दिन बैलों की तरह खेतों में काम करती हूँ, फिर ऊपर से घर पर आकर सारा खाना भी बनाना पड़ता है और तुम सारा दिन चारपाई ही तोड़ते रहते हो। अरे क्यों चिंता करती हो सरला, बस कुछ दिनों की बात और है, उसके बाद हम दोनों पैसों में नहाएंगे। हीरालाल की बात सुनकर सरला अपना माथा पीट कर बोली, कुछ दिनों में क्या हो जाएगा जी। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई कि मुझे तुम्हारे जैसा आलसी पति मिला। काम धंधे में हाथ तो बटाते नहीं हो, बस पड़े पड़े मुंगेरी लाल के जैसे हसीन सपने देखते रहते हो। तुम्हारे बेतुके सपने सुनते ही मेरा आधा जीवन कट गया। एक तो भगवान ने मुझे तुम्हारे जैसा आलसी पति दिया और ऊपर से संतान सुख से भी वंचित कर दिया। तभी वहाँ पर जमींदार सूरत सिंह अपने आदमियों के साथ हीरालाल के घर में घुस आया और उसने क्रोधित होकर हीरालाल से कहा, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए हीरालाल। मैं कुछ दिनों में आपकी एक एक पाई लौटा दूंगा जमींदार साहब। हीरालाल, तू पिछले 6 महीनों से मुझसे ऐसे ही बोलकर बेवकूफ बना रहा है और मैं हर बार तेरी बात पर विश्वास कर लेता हूँ, लेकिन आज मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मुझे आज अभी और इसी वक्त अपने सारे पैसे चाहिए। हे भगवान, क्या ये तुमसे भी पैसे लेकर आए हैं? मुझसे क्या पूछती हो, अपने इस निकम्मे पति से क्यों नहीं पूछती? काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। जमींदार की बात सुनकर सरला फूट फूट कर रोकर कहने लगी, हे भगवान, ये कैसा पति दिया है तूने? मैं इनके कर्जे चुका चुका कर तंग आ चुकी हूँ। कल ही तो मैंने बिरजू नाई को पैसे दिए थे, ये उससे भी पैसे लेकर आ गए थे। अपनी पत्नी को रोते हुए देख हीरालाल भावुक हो गया। वो हाथ जोड़ते हुए सूरत सिंह से बोला, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। मैं इस बार पक्का वादा करता हूँ कि मैं कुछ दिनों में आपकी सारी रकम लौटा दूंगा। मैं कैसे यकीन कर लूँ, तू दिन भर कुछ काम तो करता नहीं है, तेरी पत्नी ही तेरे घर का खर्चा चलाती है। कल से मैं भी अपनी पत्नी के साथ खेतों में काम करूँगा, मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी मेहनत कर सकता हूँ। हीरालाल, मेरा एक उसूल है, जब भी मैं किसी के घर पर अपना कर्जा लेने जाता हूँ तो खाली हाथ नहीं लौटता। असल तो मैं तुमसे बाद में वसूल लूंगा, पर ब्याज आज तो मैं अभी इससे वक्त लेकर जाऊंगा। दरअसल जमींदार की निगाह हीरालाल की उपजाऊ जमीन पर थी और वो इसी लालच में हीरालाल को वक्त पर वक्त दिए जा रहा था, मगर हीरालाल उसकी चाल को समझ नहीं पाया। सुनो, मैं ब्याज के एवज में तुम्हारे इन दो बैलों को लेकर जा रहा हूँ। सूरत सिंह की बात सुनकर सरला फूट फूट कर रोने लगी। सरला को रोता देख सूरत सिंह मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, रो मत सरला बहन, मुझसे किसी का रोना देखा नहीं जाता। मैं तुम्हारे बैल ले जा रहा हूँ, लेकिन उसके बदले मैं ये मुर्गी तुम्हारे लिए देकर जा रहा हूँ। तुम तब तक इस मुर्गी से अपने खेतों में हल चला लेना। वो उन लोगों का मजाक उड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। सरला फूट फूट कर रोने लगी, हे भगवान, तूने हमें संतान सुख से वंचित क्यों रखा? आज अगर मेरा कोई बेटा होता तो उस जमींदार की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हमारे बैल ले जा सकता। रो मत सरला, भगवान पर विश्वास रखो, वो हमारी मदद जरूर करेगा। भगवान भी तुम जैसे आलसी लोगों की मदद नहीं करता। लो पकड़ो ये मुर्गी और जाओ खेतों में और खेत जोत कर दिखाओ। इतना कहकर सरला गुस्से में घर से बाहर चली गई और कब हीरालाल लेट कर सोचते सोचते गहरी नींद में सो गया उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब हीरालाल की आंख खुली
तो उसके सामने एक पीले रंग का अंडा पड़ा हुआ था। वो अंडा चमक रहा था। उसने अंडे को उठाकर देखा तो वो अंडा सोने का था। हीरा लाल ने तुरंत अपनी पत्नी को उठाया। हे भगवान, कल ही इस आदमी के बैल छीने हैं, फिर भी ये अपनी हरकत से बाज नहीं आया। अभी भी सपने देख रहा है ये। हीरा लाल ने वो अंडा सरला को पकड़ा दिया। ये तो सोने का ही अंडा है। हाँ सरला, अब हम इस सोने के अंडे को बाजार में बेचकर जमींदार का सारा कर्जा चुका देंगे और देखते ही देखते हम माला माल हो जाएंगे। सरला के हाथ से अंडा गिरकर टूट गया। टूटे अंडे में से सोने की पीली पीली किरणें फूट पड़ी और देखते ही देखते उन किरणों ने एक इंसान का रूप धारण कर लिया, मगर उसका पूरा शरीर पीला सोने के जैसा था। ये देख कर सरला और हीरा लाल डर गए। उन्हें डरा देखकर सोने का इंसान बोला, डरो मत, अंडा आपके हाथों से टूटा है तो मैं आपका पुत्र हूँ और आज से आप मेरी माँ। ये सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ गए। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। अगर मेरा बेटा होता तो मैं उसका नाम रमेश रखती। आज से मैं तुझे रमेश कहकर बुलाऊंगी। आप दोनों अब बिल्कुल भी परेशान ना हो, आज से मैं हल चलाऊंगा। लेकिन तुम कैसे चलाओगे बेटा, बैल तो जमींदार छीन कर ले गया है। आप चिंता मत कीजिए माँ, मुझे हल चलाने के लिए बैल की जरूरत नहीं है, मुझ में अकेले ही 100 बैलों की शक्ति है। उस दिन के बाद रमेश हीरा लाल के खेतों में हल चलाने लगा और इसी बीच रमेश हीरा लाल के लिए सगे बेटे से भी बढ़कर हो गया। कुछ ही महीनों में हीरा लाल की फसल तैयार हो गई, मगर फसल जैसे ही कटी तो सारी की सारी फसल सोने की बन गई। ये सब आपका है बाबा, आपकी इच्छा थी कि आप बहुत ज्यादा अमीर बने, समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी इच्छा पूरी कर दी है। रमेश ने ये बोला ही था कि जमींदार सूरत सिंह अपने कुछ आदमी के साथ वहाँ पर आ पहुँचा और चीख कर बोला, हीरा लाल मुझे मेरी मुर्गी वापस कर, मैं जानता हूँ उस मुर्गी ने तुझे सोने का अंडा दिया है और उसी सोने के अंडे से तेरा ये बेटा निकला है। जब तेरे घर पे ये चमत्कार चल रहा था तो उस वक्त मेरे घर पर बर्तन मांजने वाली नौकरानी दूर से इस मंजर को देख रही थी, मगर उस बेवकूफ औरत ने मुझे ये घटना आज बताई। और हाँ, तेरी ये सोने की फसल भी मेरी है। तुम चाहो तो ये सारे सोने की फसल ले जाओ, मगर मुझसे मेरे बेटे को मत छीनो। मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए, ये फसल नहीं। तू एक नंबर का बेवकूफ आदमी है हीरा लाल, मुझे ये तेरा सोने का इंसान नहीं चाहिए, मुझे वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी और ये फसल चाहिए। तभी वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए और गुस्से से जमींदार की ओर देखकर बोले, ये जादुई मुर्गी मुझे एक देवता ने भेंट की थी, मैं ध्यान में मग्न था और तू उसी का फायदा उठाकर इस मुर्गी को चुरा कर ले आया। बेवकूफ, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू अभी और इसी वक्त पत्थर का बन जा। ऋषि के इतना कहते ही जमींदार और उसके सारे आदमी पत्थर के बन गए और वो मुर्गी उस ऋषि के पास आ गई। ऋषि ने हीरा लाल से कहा, क्या तुझे ये सोने की फसल चाहिए? नहीं, मुझे सिर्फ रमेश चाहिए। हीरा लाल की बात सुनकर ऋषि ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तू सोना मांगता तो मैं तुझे भी पत्थर का बना देता। जा, ये सोने की फसल भी तेरी और ये सोने का इंसान भी। इतना कहकर ऋषि और वो मुर्गी वहाँ से गायब हो गए। हीरा लाल के सारे सपने सच हो गए थे।